दोस्तों हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली के लिए निकलेंगे चांदनी चौक से। ये देखिए अब हम कर रहे हैं धीरे धीरे अल्मोड़ा को प्रस्थान। दोस्तों निकल रहा हूँ धीरे धीरे, सामान काफ़ी है मेरे पास, लेकिन एंजॉय करते हुए पसीना बहाते हुए, बहुत पसीना बह गया है आज, मज़ा आ रहा है। हाँ अब देखना पड़ेगा कौन सी लाइन जाती है नई दिल्ली के लिए। अब जा रहे हैं, टिकट हमने ले लिया दोस्तों, ये देखिए 20 रुपये का टिकट है नई दिल्ली का चांदनी चौक से। कश्मीरी गए येलो लाइन, अब यहाँ से दोस्तों हम चांदनी चौक से आए, चांदनी चौक से नई दिल्ली जाने के लिए कश्मीरी गेट में हमें येलो लाइन चेंज करनी पड़ती है। अब यहाँ से हम येलो लाइन लेंगे, अगला स्टेशन मिलेगा हमको नई दिल्ली। ये देखिए आ गई है मेट्रो, देखिए दोस्तों आ गई है ट्रेन, ये जा रहे हैं हम, पूरी ट्रेन खाली है, देखिए बैठ चुके हैं मेट्रो में, मेट्रो भी खाली है दोस्तों, देखिए हाँ क्या सुकून मिल रहा है इसके अंदर, और एसी है, मज़ा आ रहा है। देखिए खाली है चारों तरफ, बाहर गेट अभी भी बंद नहीं हुआ है, बस बंद होने वाला है, इसका फिक्स लिमिट होती है बंद होने की। बैग दे रखे हैं और अपना वीडियो बनाने में लगाए थे, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, बस मैं बैठ चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी, और दोस्तों आज भी ट्रेन ने धोखा दे दिया, अब नींद भी आ रही है क्योंकि टाइम हो गया दोस्तों 10:30, रात का 10:30 बज चुका है, और खाना मैंने खा लिया है, बोलरूम में बैठा हूँ, एसी चल रहा है फर्स्ट क्लास, और जा रहे हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी सुबह पहुँचेंगे 5 से 5:30 बजे, क्या पता पहले भी छोड़ दे, लेकिन ड्राइवर का कहना है कि 5 से 5:30 बजे छोड़ेंगे। और अभी हम निकले हैं लाल किला दिल्ली से, लाल किला का लोकेशन अभी दिख रहा था सामने, इसलिए मुझे याद आएगा आप लोगों की, मैंने कहा लाल किला किया था, ब्लॉग किया था लाल किला का, तो मैंने कहा दोस्तों को याद कर लेते हैं, और हल्द्वानी जाके तुरंत दिखाऊंगा तो आप लोग भी कहेंगे यार और इससे पहले का दिखाया नहीं, सीधे हल्द्वानी का दिखाने लग गया। दोस्तों मैं नोएडा, दिल्ली, चांदनी चौक, लाल किला सब इंजॉय करने के बाद अब जा रहा हूँ अपने हल्द्वानी अल्मोड़ा, आपको पहाड़ की शांत वादियों में ले जाने, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखिए ट्रैफिक इतना था और पोल्यूशन इतना था, गर्मी कितनी थी कह नहीं सकते हैं, यहाँ पर जीवन जीना बहुत टफ है, क्योंकि गर्मी दोस्तों इतनी गर्मी है, आप कितना भी पानी पियो ना तो पानी कम है, लेकिन हम फिर जाएंगे अपने शानदार वादियों में और पहाड़ की वादियों में, ठंडी हवा में, ठंडे पानी में, वही अपना सिमकनी मैदान, वही अपना खतियाड़ी, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। निकल रहा हूँ, अभी निकल गए हैं हम यहाँ से, निकल के बस चल चुकी है, और आपको आगे जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, अगर नींद नहीं आएगी तो। देखिए सीट पीछे कर रखी है, वोल्वो है, आरामदायक सीट है, बहुत आनंद आ रहा है, मज़े आ रहे हैं, देखिए गाड़ियाँ चल रही पीछे से, जिंदगी में मजे लेने हो तो कुछ इस तरीके से लेने चाहिए दोस्तों, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, मजे करते हुए जिंदगी का आनंद लेना है, एक एक क्षण का आनंद लेना है, एक पल का आनंद लेना है, और वाह 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 क्या बात है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दिल्ली से निकलने के बाद, दिल्ली से कल रात हो गई थी तो मैं हल्द्वानी पहुंचा, हल्द्वानी पहुंचने के बाद, क्योंकि हल्द्वानी पहुंच गया था मैं सुबह 6 बजे, अभी मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों जूलीकोट से आगे, और मैं यहां पर मैंने सोचा आपको बता दूं, अभी मैं जा रहा हूं अल्मोड़ा, रास्ते में आपको कुछ नहीं दिखा पाया क्योंकि थोड़ा सो गया था बस मैं, दिन भर थकान हुई थी, अब मैं जा रहा हूँ अल्मोड़ा, अभी यहाँ पर पहुँचे हम, देखिए हमारी बजरंगबली गाड़ी,
हूँ पायलट बाबा आश्रम जोलीकोट से ऊपर। अभी यहाँ से भवाली है कम से कम आठ दस किलोमीटर है। अभी हम जा रहे हैं और यहाँ दोस्तों नोएडा से दिल्ली से यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम है। रास्ते में एसी चल रहा था तो ठंडा होने लग गया था, फिर एसी बंद करना पड़ा गाड़ी में। और बस शानदार मौसम हो रहा है, देखिए। हाँ हाँ देखिए, ये देखिए शानदार मौसम हो रहा है। पहाड़ों की शानदार वादियाँ, पेड़ पौधे हरे भरे, बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए दोस्तों गाड़ी लगी है सामने और अब जा रहे हैं। हमारे दिल्ली की यात्रा बहुत शानदार रही, बढ़िया रही दोस्तों। अब घर को जा रहे हैं, फिर दिखाते हैं आपको। दोस्तों मैंने सोचा आपको सुबह सुबह बजरंगबली के दर्शन करा दूं, तो मैं यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ पर दर्शन जरूर करता हूँ दोस्तों। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, सुकून एहसास मिलता है और एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है यहाँ पर आकर के। तो ये देखिए यहाँ पर अपने गोद में बच्चे को लिए हुए हैं कौन पता नहीं, और ये देखिए हमारे गुणी बाबा बैठे हुए हैं और बगल में बजरंगबली बैठे हुए हैं गदा कंधे में रख करके, और अंदर हैं भोले शंकर। देखिए भोले शंकर के बैक साइड दिख रहा है आपको, ये देखिए। अब निकलते हैं हम आगे को। अब मैं यहाँ की बात करूँ ना दोस्तों प्राकृतिक वादियों की, तो आप ये देखिए काफ़ी शानदार वादियाँ हैं, मज़ा आ जाता है यहाँ पर। पहाड़ तो पहाड़ी है दोस्तों। तो यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि जो रामायण में दिखा रखा है हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे में उठा करके ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। काफ़ी इन्जॉय हो गया है और अब अल्मोड़ा भी जाना है और कई काम हैं। अभी गुन्नू से भी मुलाकात करनी है अल्मोड़ा जाके, गुन्नू की बहुत याद आती है पता ही है आपको, लेकिन मजबूरियाँ, कोई अर्जेंट काम, जाने का मन तो था नहीं मेरा नोएडा, लेकिन क्या करें सेमिनार बहुत ज़रूरी था इसलिए नोएडा जाना पड़ा। और नोएडा में काफ़ी गर्मी सह के पूरे काले भूत जैसे बन के आ गए हैं हम पहाड़ की वादियों में। अब यहाँ पर थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, गोरा होना पड़ेगा दोस्तों। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सागराना हो, चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। दोस्तों मैं फाइनली पहुंच चुका हूं अल्मोड़ा, अभी पहुंचा हुआ हूं। अभी हो रहा है दिन का 12:30, क्योंकि मैं सुबह हल्द्वानी जल्दी पहुंच गया था, उसके बाद मुझे रूम लिया नहीं मैंने, मैं सीधे अल्मोड़ा को आ गया क्योंकि यहां अनीता और गुन्नू भी अकेले थे पता ही है आपको। इतने दिनों से गुन्नू की काफ़ी याद आ रही थी दोस्तों। ज़्यादा समय मैं रामगढ़ के रास्ते गया था क्योंकि खैरना भवाली वाला रास्ता बंद था, इसलिए आते समय मुझे जल्दी होगी क्योंकि रोड भी बड़ा मस्त है और रोड ठीक हो गई है और हम जो है आसानी से पहुँच गए दोस्तों। यहाँ आने के बाद मैं थोड़ा सा रूम पर रुका, पानी पिया, मैं आपसे बातें करने के लिए छत में पहुँच चुका हूँ दोस्तों। जब से गए हैं तब से 7 तारीख को मैं चला गया था और मैं एक हफ्ते का टूर था। जाने के बाद काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस लिए, लोगों से मिले और अपने जो विभिन्न देश के विभिन्न स्टेटों से आए हुए जो हमारे मित्र थे उनसे मिले, काफ़ी अनुभव लिया, काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। और सेमिनार था, सेमिनार में हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी कि स्ट्रेस जो हम टेंशन लेते हैं तनाव मुक्त कैसे रहना है, जो हमें गुस्सा आता है अपने गुस्से पर नियंत्रण हमने कैसे रखना है, चीज़ों को कैसे संभालना, चीज़ों को कैसे सीखना है और कैसे संभालना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बेसिक जानकारी दी गई। मैं ना सेमिनार में वहाँ के खुद के टीचर बहुत कम हैं, वहाँ जो है IAS आते हैं और जो बड़े बड़े प्रोफेशन वाले हैं तो होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो वहाँ पर लेक्चर देने के लिए आते हैं। उनको एक लेक्चर का दोस्तों एक घंटे का लेक्चर होता है, एक घंटे का उनको 1200 से 1500 रुपये दिए जाते हैं। तो वो 3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए हमें लेक्चर देने के लिए आते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छी जानकारी उनसे मिलती है। हमने व्यक्तिगत जीवन में प्रोफेशनल जीवन में हमें कैसे कैसे रहना है, तो प्रोफेशनल जीवन में हमने कैसे जीना है और कैसे चीज़ों को टैकल करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं। हमने काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा। मेन चीज़ तो दोस्तों ये है ना, विभिन्न प्रदेशों से जो आ रखे थे उनकी संस्कृति कल्चर ये चीज़ें हमें सीखने को मिला, जो जिससे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी वहाँ पर लेक्चर दिया जाता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को गेन कैसे कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर काफ़ी फैकल्टी होती है, वो फैकल्टी उस वहाँ पर हर चीज़ों के, प्रत्येक चीज़ों के जो भी हमारे जीवन में जरूरत होती हैं, जो भी हमारे जीवन में ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनके विशेषज्ञ होते हैं, वो हमें काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं।
तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पर। आशा करता हूँ कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्हें फॉलो करूँगा और जितना हो सके आपको भी उन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। दोस्तों अभी हमारा बेसिक ट्रेनिंग थी, अब आने वाले समय में उनके द्वारा बताया गया कि इसी जो अभी ट्रेनिंग थी इसी को एडवांस कराया जाएगा, उसमें 15 से 20 दिन या 21 दिन का प्रोफेशनल कोर्स कराया जाएगा, तो उसमें और अच्छी चीज़ें हमें जानकारी मिलेगी और हमारा व्यक्तिगत और उससे हमारा व्यक्तिगत डेवलपमेंट होगा। तो दोस्तों यात्रा काफ़ी अच्छी रही, आपको मैंने हर एक चीज़ का ब्लॉग दिया था, जब से मैं गया हूँ तब से मैंने ब्लॉग दिया था। आज मैं अल्मोड़ा पहुँच चुका हूँ, अभी देखिए मैं छत में आया हुआ हूँ। यहाँ वहाँ के मौसम में यहाँ के मौसम में इतना डिफरेंस है दोस्तों, वहाँ पर गर्मी इतनी गर्मी है, आप एसी में अगर बैठे हैं बाहर आएंगे तो आपको बिल्कुल पसीना हो जाएगा। मैंने आपको एक एक पल की जानकारी दी थी और यहाँ पर देखिए ठंडा है, बादल लगे हैं, धूप भी आई है, काली धूप आई है और देखिए यहाँ पर आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, रूम पे पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही दोस्तों। देखिए यहाँ का मौसम, अल्मोड़ा खत्याड़ी हूँ मैं अभी, आसमान में देखिए काले काले बादल हैं और चारों तरफ हरा भरा। जब मैं गया था उसमें उतनी बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन अब एक हफ्ते में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, प्रकृति जो है ठंडी हो चुकी है, चारों तरफ हरे भरे खेत देखिए और ये हरे भरे पेड़, पेड़ों में जान आ चुकी है, प्रकृति को शांति मिल चुकी है, जीव जंतु काफ़ी शांत हो चुके हैं पानी बरसने से, तो हमारी दिनचर्या स्टार्ट हो जाएगी नियमित रूप से जो हम पहले करते थे, क्योंकि टूर तो कभी कभार होते हैं कभी। अब टूर दोस्तों मुझे घूमने का बहुत शौक है, मैं घूमने के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी दिखाऊँ। मैंने लाल किला का ब्लॉग दिया दोस्तों, बहुत शानदार ब्लॉग दिया, इंडिया गेट आपको दिखाया और इंदिरा गांधी म्यूजियम दिखाया, हर चीज़ के ब्लॉग मैंने दिए हुए हैं, आप जो है यूट्यूब पर जा करके चैनल पेज पर जा करके आप सर्च कर सकते हैं। आपको लोटस टेम्पल का ब्लॉग दिया, मैंने अक्षरधाम के बारे में बताया, हालांकि वहां पर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत जानकारी दी उसकी। लाल किले का जो दोस्तों ब्लॉग था काफ़ी शानदार ब्लॉग था, आप ज़रूर देखें उसे, ज़रूर देखें, जो हमारी माता बहनें ये ब्लॉग देख रहे हैं वो लोग सभी उसे देखें, लाल किला विजिट करके मैंने डाला हुआ है एनी क्लास पेज पे, आप ज़रूर देखें और अनुभव करें और देखें वहाँ पर लाल किला क्यों फेमस है, कहाँ है, और कभी अगर जाने का मौका लगे तो अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ ज़रूर विजिट करें, काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको सुकून मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अब गुन्नू और अनीता से भी मिलना है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं तो मिल चुका हूँ, अकेले अकेली है क्योंकि घर में कई काम होते हैं, अकेले करने पड़ते हैं, दुकान से दूध लाना है, गुन्नू के लिए दूध लगा रखा वो लाना है और राशन लाना है क्योंकि ख़त्म हो जाता है, सब्जी है, तो अकेले महिलाओं को दोस्तों काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। तो अनीता भी यहाँ पर कितनी परेशान थी।